हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो रबड़ी की रेसिपी। तो आइए मेरे साथ देखते हैं किस तरह बनती है मैंगो रबड़ी। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मैंगो रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। सबसे पहले हम दूध गर्म कर लेते हैं। दूध में एक उबाली आने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसे रखकर उबालेंगे। 5 से 7 मिनट तक हमें इसे उबालना है। इसके बाद मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिला रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क मिलाने के बाद हमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप कंडेंस्ड मिल्क नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें फिर आप अपने मीठे स्वाद के अनुसार शक्कर भी मिला लीजिए। 1 लीटर दूध में मैंने 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क मिलाया है। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद हमें दूध को ज़्यादा देर तक उबालना नहीं पड़ता है। यदि आप ये मिल्क नहीं मिला रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा देर तक दूध उबालना पड़ेगा। दूध को मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसे चलाते रहेंगे जिससे दूध हमारा जले ना। अब ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें 4 से 5 इलायची कूट कर डाल देंगे या आधा चम्मच आप इलायची पाउडर मिला दीजिए। और इसमें हम अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे बारीक बारीक काट कर। अब ये रेडी है, इसे हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे जब तक हम आम की तैयारी करते हैं। मैंने 2 आम लिए हैं, इन्हें धोकर छील लेते हैं और इन्हें बारीक बारीक पीसेस में काट लेंगे। यदि आप छोटे आम ले रहे हैं तो 3 ले लीजिए, बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लीजिए। ये देखिए दोनों आमों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब एक स्पून से हम इन्हें थोड़ा मैश भी कर लेते हैं तो कुछ पीसेस में रहेंगे और कुछ मैश हो जाएंगे। अब हमारा दूध भी ठंडा हो गया है। अब हम ये जो मैश और पीसेस वाले आम हैं इसमें मिक्स कर देते हैं। हमारी मैंगो रबड़ी तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और सर्व करते समय ऊपर से छोटे छोटे मैंगो के पीसेस और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।